हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं बना रही हूँ आटे के समोसे। मैदा के समोसे बहुत अनहेल्दी होते हैं, इसीलिए अगर आप घर में बना रहे हैं बच्चों के लिए एंड फैमिली के लिए, तो आप आटे के ही समोसे ज़्यादातर ट्राई करें घर पे बनाने के लिए। मैदे के समोसे आप कभी कभी ही खाया करें। तो ये मैं आटे के बना रही हूँ। इसमें मैंने 2 कटोरी आटा लिया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूँगी एंड अजवाइन डाली है मैंने। और अब हम तेल डाल के इसमें मोइन देंगे। मोइन आपको इतना देना है कि आपका जो आटा है उसमें आपके हाथ में लड्डू बंधने लगे। इतना तेल आपको डाल के इसमें मोइन देना है। और समोसे का जो डो है वो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पूड़ी जैसा आटा गूंथना है आपको, जैसा हम पूड़ी बनाने के लिए करते हैं। सेम प्रोसेस आप कचौड़ी के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, बट कचौड़ी का जो आटा होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को अच्छे से मार लेंगे, गूंथ लेंगे आटा, और इसका एक अच्छे से डो बना के थोड़ा सा ऑयल लगा के ऊपर से इसको ढक कर रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में आपका आटा एकदम सेट हो जाएगा समोसे बनने के लिए। तो इसी तरह से आप अपना आटा बना के रख दीजिए। अब हम अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। आलू को उबाल के मैंने मैश करके रख लिया है पहले से ही। एक प्लेट मैंने मटर लिए हुए हैं, ये खड़ा धनिया लिया हुआ है, हींग कूट के रख ली है अच्छे से, और जीरा लिया है, राई ली है, और सौंफ लिया है थोड़ा सा। इन सब का हम तड़का लगाएंगे अपनी स्टफिंग में। और ये सारे मसाले डालने के बाद अब हम पहले मटर डाल दूँगी, और मटर उचटते हैं तेल में से, इसीलिए उनको ढक कर थोड़ा सा फ्राई होने दें। जब मटर अच्छे से भुन जाए उसके बाद फिर मैं इसमें आलू डालूंगी, मैश किए हुए सारे। आलू डालने के बाद अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, हल्दी, नमक, धनिया, मिर्च, लाल मिर्च, हरे मिर्च भी आप डाल सकते हैं, हरा धनिया काट के डाल देंगे, और अमचूर ज़रूर डालेंगे क्योंकि समोसे का जो स्टफिंग होती है थोड़ी सी खट्टी सी होती है, तो अमचूर पाउडर मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाल दूंगी ताकि स्पाइस के लिए काली मिर्च और लाल मिर्च थोड़े थोड़े दोनों डालें आप। तो ये हमारी स्टफिंग बनके एकदम रेडी हो गई है। अब हम अपने समोसे बनाने की तैयारी करते हैं। हमारा डो भी पूरा आधे घंटे के लिए रख दिया था मैंने, सेट हो गया है अच्छे से। अब हम इसके बड़े बड़े गोले बना लेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बेलना है आपको, एंड देन इसको बीच में से कट कर लेंगे। मोटा पतला सब जगह से एक सा बेलना है। अब इसको ऐसे साइड के कॉर्नर से चिपकाते हुए ऐसे गोल रोल बना के इस तरह से कटोरी बना लेंगे, और इसमें ये स्टफिंग भरेंगे। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरना है, नहीं तो आपकी जो समोसा है वो फ्राई करते टाइम फट जाएगा तेल में। और साइड में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें इसको करना है, तेल में फ्राई करना है समोसे को। और ये देखिए, समोसे का शेप अच्छे से फोल्ड करते हुए मैंने इनको सबको भर लिया है। इसी तरह से आप सारे समोसे भर के और रख लें। और जब तक हमारे ये 2-3 समोसे बना लिए थे मैंने, ये फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैं बाकी की समोसे रेडी कर लूँगी अपने, और इसी तरह से फ्राई करूँगी सारे। और चटनी का वीडियो मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया है। इसके समोसे के साथ हरे धनिया की चटनी और इमली की चटनी भी बहुत टेस्टी लगती है, तो मैं जल्दी ही आपके साथ इमली की चटनी का वीडियो शेयर करूँगी। तरह से धीमी आंच पे आपको एकदम अपने सारे समोसे फ्राई कर लेने हैं अच्छे क्रंची होने तक। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए समोसे का कलर, तब आप अपने समोसे को निकाल लें तेल में से, और आपके समोसे एकदम रेडी हो जाएंगे।
आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी समोसे की, हेल्दी समोसे घर में आप आटे के बनाएं। तो आई नो दैट कि ये फ्राइड समोसे हैं तो फ्राई तेल इतना ज़्यादा है, बट आप तेल को टिश्यू पेपर से, अगर आप ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहते तो टिश्यू पेपर से टैप टैप करके और तेल कम कर सकते हैं इसका। और अगर आप बेक करके समोसे खाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं बेक समोसे बना के बताऊँगी आपको, अगर आप ऑयली ज़्यादा नहीं खाना चाहते तो। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।